हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। इस वीडियो में हम जो हैं 1 अक्टूबर के करंट अफेयर करेंगे। तो हम जो है न्यू मंथ स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी करंट अफेयर्स मैंने आपको दिए हैं तो आपको उनमें बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा उन करंट अफेयर्स को। और ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा हमेशा की तरह। इसमें द हिंदू और PIB के करंट अफेयर्स होंगे। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस उनके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। Well now, which university has now officially declared that it will continue its policy for giving 100% fee waiver to all SC/ST PWD students seeking admission to its course for another year. तो basically 100% जो है fee waiver scheme जो दी जाएगी, fee waiver है मतलब 100% जो fees है वो माफ कर दी जाएगी SC/ST PWD जो students हैं उनके लिए। तो basically ये जो है officially declare किया गया है। तो ये किस यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है? तो बेसिकली इट इज डिक्लेयर्ड बाय अंबेडकर यूनिवर्सिटी विच इज इन दिल्ली। सो रिमेंबर दिस, ऑन अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने जो है उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है। क्वेड मीटिंग 2020 विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? तो क्वेड आपको पता है 2007 में एक ग्रुप बना था जिसे USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो बेसिकली ये जो चार देश हैं उन्होंने मिलकर ये बनाया था और जो शिंजो अबे थे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने ये ग्रुप के लिए प्रपोज किया था। तो ये जो है 2020 में इसकी मीटिंग कहाँ होने वाली है? तो ये होगी जापान में, जापानी कैपिटल है टोक्यो। और टोक्यो में ही 2020 के ओलंपिक होने थे जो अब 2021 में पोस्टपोन हो गए हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ तो जापान के साथ अभी हमारी एक्सरसाइज चल रही है जिमैक्स, जो कहाँ हो रही है? अरेबियन सी में। और भारत जो जापान के साथ एक्सरसाइज करता है वो कौन सी है? धर्मा गार्डियन, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, धर्मा गार्डियन, शिन्यू मैत्री एंड धर्मा गार्डियन है, शिन्यू मैत्री है एंड सहयोग काइजेन। सो रिमेंबर दिस इज ऑल्सो वर्थ रिमेंबरिंग, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये न्यूज में भी है जापान। और यहां पे जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जो एस जयशंकर, तो वो इसमें जाने वाले हैं, वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और इस टाइम 6 अक्टूबर को ये मीटिंग है। सो रिमेंबर दिस। अक्षत उत्कर्ष पास्ड अवे, हु इज ही? तो ये कौन थे? तो ये एक एक्टर थे, बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया और ये इन्होंने जो है सुसाइड किया। तो बेसिकली ये जो थे एक्टर थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ द फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो बेसिकली चेयरमैन कौन बने हैं जो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट है इंडिया का उसके? तो शेखर कपूर को ये बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये FTII जो है ये किसके अंडर में वर्क करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में वर्क करती है। इसके हमारे मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। सो रिमेंबर दिस। NGT concerned as how many states want 6,000 square kilometer to be taken off Western Ghat Eco Zone. तो basically NGT ने ये कितने राज्य ये चाहते हैं कि 6,000 किलोमीटर का जो एरिया है पश्चिमी घाट में उसको जो है इको जोन से लिया जाए। तो basically economic जो हमारा जोन होता है इको जोन उससे लिया जाए। तो ये जो है 6 राज्यों ने ऐसा कहा है। विच स्टेट प्रपोजेज अप टू 30% फी वेवर फॉर प्राइवेट स्कूल? तो बेसिकली कौन सा स्टेट है जिसने ये बोला है कि हम 30% जो है फी वेवर जो है स्कीम मतलब फी वेवर देंगे, फीस माफ कर देंगे 30% प्राइवेट स्कूलों की? तो ये जो किया है ये प्रपोजल दिया है ओडिशा ने। सो बेसिकली ओडिशा ने यह किया है। ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, और दो सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है पुरी, पुरी में आपको टेम्पल मिलेगा जगन्नाथ पुरी का जो बहुत ही फेमस है, एंड ऑल्सो वन इज कोणार्क टेम्पल। सो रिमेंबर दिस, कोणार्क में है सन टेम्पल और इसी को जो है 100% सोलराइजेशन किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट टेम्पल होगा जिसको 100% सोलराइजेशन किया जा रहा है। और उड़ीसा में जो है बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जैसे धानु यात्रा, बाली यात्रा, जगन्नाथपुरी यात्रा, राज पर्व, तो ये यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। और सतकोसिया एंड सिमलीपाल आर द टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा। So remember this. And Chief Minister is Naveen Patnaik. And ruling party is
बीजू जनता दल, बीजेडी, सो रिमेंबर दिस, बीजेडी वहां की पार्टी है, रूलिंग पार्टी, बीजेपी नहीं है, बीजेडी, बीजू जनता दल, सो रिमेंबर दिस, एंड नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा. गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू बैन कैटल स्लॉटर. तो बेसिकली किस गवर्नमेंट ने जो है ये अप्रूव कर दिया है, इस कंट्री की गवर्नमेंट ने, कि बैन कैटल स्लॉटर है उसको हम बैन करेंगे. तो बैन कर दिया है ये श्रीलंका ने. श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने पुरीकुट्टे और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्र राजपक्षा एंड प्रेसिडेंट इज गोटे भैया राजपक्षे. सो रिमेंबर दिस. और भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है पालक स्ट्रेट. कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पालक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में. इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट. तो इंटरनेशनल जो ट्रांसलेशन डे होता है ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये 30 सितंबर को मनाया जाता है. अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है और ये सेकेंड टाइम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो रिमेंबर दिस. तो जो ट्रांसलेटर होते हैं, मतलब जो दूसरी एक भाषा से दूसरी भाषाओं पर बात करते हैं, तो उनको कॉमरेट करने के लिए जो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है. आमिर शेख सबा अल अहमद अल सबा हैज डाइड, ही इज द क्राउन प्रिंस ऑफ विच कंट्री. तो बेसिकली ये जो क्राउन प्रिंस थे ये कहाँ के थे, तो ये कुवैत के थे. कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, सो रिमेंबर दिस. और ओमानी कैपिटल है मस्कट. ईरानी कैपिटल है तेहरान, और ये आपको ध्यान रखना है. और कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी. विच अरब कंट्री हैज डिसाइडेड टू लॉन्च स्पेस क्राफ्ट टू मून इन 2024. तो किस कंट्री ने, अरब कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि वो स्पेस क्राफ्ट जो है लॉन्च करेगा मून के लिए 2024 में. तो ये जो है ये यूएई ने अनाउंस किया है. यूएई की कैपिटल है अबू धाबी. अभी जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं अबू बिन सलमान अल रशीद, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है. तो बेसिकली ये फोर्थ कंट्री होगा जो जिसका जो है स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होगा मून पे. तो बेसिकली अब तक तीन कंट्रियों के लॉन्च हुए, यूएसए के, चाइना का और रशिया का. तो बेसिकली ये तीन कंट्रियों ने सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं. भारत और जापान जो थे उन्होंने सक्सेसफुली, उनका लॉन्च नहीं हुआ था, मतलब सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया था वहां पे. सो बेसिकली रिमेंबर दिस थिंग. लुफ्थांसा इज इन न्यूज, सो इट इज द एयरलाइंस ऑफ विच कंट्री. तो ये जो एयरलाइंस है ये कहाँ की है, तो ये जो एयरलाइंस है ये जर्मनी की है. सो रिमेंबर दिस, ये जर्मन की एयरलाइंस है. सीबीडीटी हैज इशू अ गाइडलाइन फॉर टीडीएस टीसीएस ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम विच डेट. तो बेसिकली सीबीडीटी, सीबीडीटी के चेयरमैन है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. अब इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है अजय त्यागी. सो रिमेंबर दिस. नो बेसिकली सीबीडीटी इज हेडेड बाय पीसी मोदी, सो रिमेंबर दिस. और सेबी जो है उनके हैं अजय त्यागी. तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अजय त्यागी और सीबीडीटी के हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पीडी पीसी मोदी. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है, ये जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है इसमें आते हैं, और सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये जो है अलग, जो है कम अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. सो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है. और एक और है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो रिमेंबर दिस, ये भी है. तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और ये जो है 1 अक्टूबर 2020 से जो है इसको एप्लीकेबल किया जाएगा. हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो ये है एनके सिंह. एनके सिंह जो है इसके चेयरमैन है. और अजय त्यागी हैं चेयरमैन है सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. पीसी मोदी सीबीडीटी के हैं. और विनय कुमार सक्सेना केवीआईसी के हैं, खादी एंड विलेज कॉरपोरेशन को कमीशन. सो बेसिकली रिमेंबर दिस. अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस इन 2019, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पर्सन एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. तो बेसिकली एक सर्वे हुआ था नेशनल स्टेटिकल जो ऑफिस है हमारा एनएसओ 2019 में, इसमें बताया गया था कि कितने परसेंट जो हैं लोग वो एंगेज हैं एम्प्लॉयमेंट में और सर्वे रिलेटेड एक्टिविटीज में. तो बेसिकली कितने परसेंटेज लोगों के पास जो है एम्प्लॉयमेंट है, तो इट इज 38.2% जो है लोग एंगेज हैं. सो इट इज देन जो 6 ईयर से अबव है, सो उनके लिए. विच मिसाइल टेस्ट विद इंडिजीनियस बूस्टर वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड. तो बेसिकली कौन सा मिसाइल जो है उसको टेस्ट कर लिया गया है हमारा अपना जो है बूस्टर लगा के, अपना बूस्टर इसमें इंडिजीनियसली इंडियन मेड जो है बूस्टर इसमें लगाया गया, फिर उसके बाद जो है इसको टेस्ट किया गया, तो ये मिसाइल जो है वो पास हो गई, सक्सेसफुली टेस्ट हो गया. तो बेसिकली ये जो मिसाइल है वो है ब्रह्मोस,
और ब्रह्मोस जो है एक क्रूज मिसाइल है, तो इट इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो बेसिकली रिमेंबर दिस। और जो भी मिसाइल टेस्ट होती है वो उड़ीसा से होती है, तो उड़ीसा में जो आइलैंड है वहां से होती है, अब्दुल कलाम आइलैंड है, अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, तो वहां से ये लॉन्च होती है। MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसेंटली स्टार्टेड कोलार गोल्ड फील्ड एक्सप्लोरेशन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो बेसिकली कोलार तो आप सबको पता होगा, KGF आपने देखी ही होगी, तो सिमिलर कोलार गोल्ड फील्ड वही है। और ये जो है कितने साल बाद इसको चालू किया गया है वापस, तो इसमें जो है गोल्ड निकालने का काम शुरू किया गया है 16 साल बाद, तो आफ्टर 16 ईयर्स। एंड ये है कहां पे, तो ये आपको मिलेगी कर्नाटका में, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। हरिजन सेवक संघ वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट, तो बेसिकली हरिजन सेवक संघ जो गांधी जी ने बनाया था, तो ये किस डेट को बनाया था, तो ये जो है 13 सितंबर 1932 को बनाया था। और ये जो है जब ये पुणे जेल में थे, ये यडवड़ा जेल, तो वहीं पे जो है इसको बनाया गया था, सो रिमेंबर दिस। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नॉलेज आई यू, टिल देन टेक केयर।